नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। शिवसेना नेता संजय राउत की मांग, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ शिवसेना और रंकापा विधायकों से संबंधित अयोग्यता याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लें। कहा, जब संविधान के रक्षक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। पीएम मोदी ने सीजेआई के घर की थी गणेश जी की आरती। इसराइली कमांडो ने सीरिया पर अब तक का सबसे घातक हमला किया। पहले फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से एयर स्ट्राइक की और फिर साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को उड़ाया। 2 से 4 ईरानी अफसरों को उठा ले गए इसराइली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष निशाना साधते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, कुछ लोगों को राष्ट्रीय हित का ज्ञान नहीं है। एक व्यक्ति का देश के दुश्मनों में शामिल होना निंदनीय, घिनौना और असहनीय। उच्चतम न्यायालय ने पुणे में भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के समारोह में शामिल होने वाले ढोल ताशा समूहों के लोगों की संख्या 30 सीमित करने के एनजीटी के आदेश पर गुरुवार को रोक लगाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 2 सैन्य अधिकारियों और उनकी 2 महिला मित्रों पर हमले तथा इनमें से एक महिला से दुष्कर्म की घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर भाजपा की सरकारों का रवैया नकारात्मक। भाजपा शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति लगभग ध्वस्त। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं और सरकारी अधिकारियों पर अयोध्या में एक बड़े भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। कहा, अयोध्या में भूमि घोटाला सत्ता में बैठे लोगों द्वारा संचालित भ्रष्टाचार का ही एक व्यापक रूप है। शिमला मस्जिद विवाद में मुसलमानों की समिति ने नगर निगम से कहा, मस्जिद के अनाधिकृत हिस्से को सील कर दिया जाए और वे उस हिस्से को खुद गिरा लेंगे। कर्नाटक के मंड्या जिले के नागमंगला कस्बे में गणेश मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान 2 समूहों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने बताया, इस घटना के बाद 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरजीगढ़ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दुष्कर्म एवं हत्या मामले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुदीप्त रॉय से सीबीआई ने पूछताछ की। श्रीरामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रॉय एक चिकित्सक भी हैं। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के फेफना थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में अराजक तत्वों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। हमास के हमले में भारतीय मूल के 24 वर्षीय इसराइली सैनिक की मौत। 2020 में भारत से जाकर इसराइल में बस गया था यह सैनिक। यह मूलतः मिजोरम और मणिपुर के बेनी मिनाशे समुदाय से ताल्लुक रखता है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुंबई में हुई एंजियोप्लास्टी। 76 साल के लालू को 2 दिन पहले मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट अबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश के दतिया शहर में भारी बारिश का कहर। लगातार बारिश की वजह से ढही कीले की दीवार। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत। मकापा महासचिव सीताराम येचुरी का दिल्ली के एम्स में निधन। 72 वर्षीय येचुरी लंबे समय से बीमार थे। येचुरी को निमोनिया जैसे सीने के संक्रमण के उपचार के लिए 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई जिलों में बिगड़े हालात। ग्वालियर के डबरा में कई गांव पानी में डूबे। हेलीकॉप्टर से एनडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। मुख्यमंत्री ने की स्थिति की समीक्षा। इंदौर में आर्मी अफसरों से मारपीट और एक महिला मित्र से गैंगरेप। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अन्य की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई जारी। बीएसई सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान पहली बार 83,000 अंक के स्तर को लांग गया। सेंसेक्स 1,593 अंक उछलकर रिकॉर्ड 83,116 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 470 अंक के उछाल के साथ रिकॉर्ड 25,389 अंक पर हुआ बंद। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरे की फिल्म विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर रिलीज। 90 के दशक पर आधारित है फिल्म की कहानी। राज शाइंडल ने किया है फिल्म का निर्देशन। 11 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। हाउसफुल 5 में हुई चित्रांगदा सिंह और डीनो मोरिया की एंट्री। फिल्म के 2 महीने लंबे शेड्यूल की शूटिंग के लिए लंदन जाएंगे चित्रांगदा। 15 सितंबर से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। तरुण मनसुखानी कर रहे हैं फिल्म का निर्देशन। ये थे वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।